हेलो दोस्तों, आज हम 12th गणित में अध्याय 7 समाकलन के एक्सरसाइज 7.4 को शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज में हम कुछ विशिष्ट प्रकार के फलनों का समाकलन करना सीखेंगे। फ्रेंड्स, यहां हम वैसे फलनों का समाकलन ज्ञात करेंगे जो इन 6 रूपों में से किन्हीं एक रूप में परिवर्तित होने वाले होंगे और फिर उसका समाकलन इस प्रकार से हम लोग करेंगे। मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमने जो समाकलन सीखा है उसमें एक्सरसाइज 7.1 में कुछ मानक रूप में फलन होते थे समाकलन में, जिसको हमने ज्ञात किया था सीधे सूत्र का उपयोग करके। एक्सरसाइज 7.2 में हमने प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन को ज्ञात किया था, जिसमें हमने देखा था कि समाकलन के अंतर्गत एक फंक्शन होता था और उसका डेरिवेटिव भी उसके साथ चल रहा होता था। उस दशा में हम प्रतिस्थापन का उपयोग करते थे। एक्सरसाइज 7.3 में हमने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का उपयोग करके समाकलन ज्ञात करना सीखा है। फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज में हम विशेष रूप से इस प्रकार के फलनों का समाकलन करेंगे, यानी कि प्रश्न को देखकर हम यह अंदाज़ा लगा लेंगे कि वे इन 6 में से किन्हीं एक रूप में परिवर्तित किए जाने वाले होंगे और तब फिर जो समाकलन हमको ज्ञात करना होगा उनको इन किसी रूप में लाकर उसका समाकलन ज्ञात करेंगे। तो आइए बारी बारी से, सबसे पहले ये 6 फॉर्मूला हैं जिसको हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, उसमें पहला है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका समाकलन हम लोग ज्ञात करते हैं। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, पहला है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी समाकलन हमको इसका ज्ञात करना है। फ्रेंड्स, जो प्रश्न हमको दिया हुआ होगा उसको इस रूप में कतई याद नहीं रखेंगे फ्रेंड्स कि ये एक्सरसाइज 7.4 का सवाल है। फ्रेंड्स, प्रश्न को देखकर हम यह जज करेंगे कि वह इन रूपों में से किस रूप में परिवर्तित किए जा सकते हैं, तब उनका समाकलन हम लोग इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो आइए इसका समाकलन ज्ञात करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि समाकलन जो पूर्व में हमने करना सीखा है उसी प्रकार से समाकलन यहाँ भी करेंगे। फ्रेंड्स, आइए इसका समाकलन करते हैं। सबसे पहले इसको देखें फ्रेंड्स, तो इसको हम लिख सकते हैं dx बाई ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी इसको लिखेंगे x प्लस ए और इंटू एक्स माइनस ए। अब यहाँ फ्रेंड्स, हम जो फैक्टर इसके हैं x प्लस ए और x माइनस ए, इसमें दो काम कर लें फ्रेंड्स, इसको दोनों को एक बार जोड़ लें x प्लस ए और प्लस करें इसमें x माइनस ए, तो माइनस ए प्लस ए कटेंगे तो ये बचेगा 2x, यानी इसको अगर हम दोनों को यहाँ अंश में प्लस करके लिखें तो यहाँ 2x बच जाएगा फ्रेंड्स, तो 1/2x यहाँ करना होगा, यानी ये हमारा हो जाएगा कुछ इस टाइप से 1/2x, यहाँ हो जाएगा 2x dx और डिवाइडेड बाई x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। फ्रेंड्स, इस रूप में हम इसका समाकलन ज्ञात नहीं कर सकेंगे क्योंकि यहाँ 2x है और 2x है, उसको इस रूप में अगर लाएंगे तो हमको ये 2x समाकलन करने में कठिनाई उत्पन्न करेगा फ्रेंड्स, इसलिए हम इसको दोनों को घटाएंगे फ्रेंड्स, यानी हम इसको करेंगे x प्लस ए और माइनस एक्स माइनस ए। जब इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा x प्लस ए माइनस एक्स और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस एक्स कट जाएंगे तो बचेगा 2a, यानी अब इसको हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो समाकलन हमारा है यहाँ लिखेंगे 2a, तो बाहर में 1/2a मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, 2a यहाँ पर
कांस्टेंट का काम करेगा फ्रेंड्स, और नीचे इसको रखेंगे फ्रेंड्स, यानी ये है x प्लस ए और इधर है x माइनस ए, यानी ये 2a को हम इस रूप में बदल लेंगे फ्रेंड्स, यानी ये हो जाएगा 1 बाई 2a समाकलन। इस 2a के जगह पर हम लिखेंगे x प्लस ए माइनस x माइनस ए और dx बटे x प्लस ए और इंटू एक्स माइनस ए। अब इसको अलग अलग डिवाइड अगर करेंगे फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा 1 बाई 2a समाकलन, ये हो जाएगा x प्लस ए बटे x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, और माइनस ये हो जाएगा x माइनस ए बटे x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, और यहाँ है dx। यहाँ से फ्रेंड्स प्लस वाला कटेगा, यहाँ से माइनस वाला कटेगा, यानी बचेगा हमारे पास 1 बाई एक्स माइनस ए और यहाँ बचेगा 1 बाई एक्स प्लस ए। अरे देखें फ्रेंड्स, बचता है हमारे पास 1 बाई 2a इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स माइनस ए माइनस 1 बाई एक्स प्लस ए और dx। यहाँ से इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लेंगे फ्रेंड्स, बता रखा है कि प्लस माइनस में इंटीग्रेशन बट जाता है, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2a समाकलन, यहाँ से 1 बाई एक्स माइनस ए डी एक्स माइनस समाकलन 1 बाई एक्स प्लस ए और dx, और ये 1 बाई 2 इस पूरे में गुना है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2a, और यहाँ 1 बाई एक्स टाइप का है फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड फॉर्म में बता रखा है 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, तो ध्यान रखना है यहाँ x नहीं है, x माइनस ए है, चूँकि x माइनस ए है तो 1 बाई एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod x माइनस ए, और माइनस इसका हो जाएगा log mod x प्लस ए और प्लस समाकलन कांस्टेंट। अब यहाँ देखें फ्रेंड्स, अभी तो यहाँ x माइनस ए है, इसका डिफरेंशिएशन नीचे करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन जब डिवाइड में जाएगा x का डिफरेंशिएशन 1 और माइनस ए का हो जाएगा 0, यहाँ भी इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा और 1 का हो जाएगा 0, यानी कोई फर्क इसमें नहीं डालेगा फ्रेंड्स। लेकिन जब सेकेंड नंबर का हम करेंगे ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ इसका प्रभाव पड़ जाएगा फ्रेंड, यानी ए पहले होगा और माइनस एक्स बाद में होगा, तब यहाँ माइनस एक्स हो जाएगा फ्रेंड। इस बात को ध्यान रखते हैं हमेशा, ये 1 बाई एक्स नहीं है बल्कि 1 बाई एक्स माइनस ए है, तो इसका डिफरेंशिएशन नीचे लगाते हैं फ्रेंड। अब यहाँ थोड़ा बहुत लॉग का प्रॉपर्टी लगेगा फ्रेंड्स, तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 बाई 2a, और यहाँ से लॉग m माइनस लॉग n, ये हो जाएगा लॉग m बाई n, यानी x माइनस ए बटे x प्लस ए और प्लस समाकलन कांस्टेंट। दूसरा नंबर का अगर देखें फ्रेंड्स, तो दो नंबर में हमारा है समाकलन dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पहले एक्स स्क्वायर था, यहाँ पहले ए स्क्वायर है, उसी टाइप से यहाँ भी करेंगे फ्रेंड्स, नीचे को पहले फैक्टराइज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा ए प्लस एक्स और इनटू ये हो जाएगा ए माइनस एक्स। यहाँ भी यहाँ देखें फ्रेंड्स, ए प्लस एक्स है, ए माइनस एक्स है, ये दोनों को अगर ऐड करें फ्रेंड्स तो ए प्लस एक्स और प्लस ये हो जाएगा ए माइनस एक्स, ये कटेगा तो बचेगा 2a, यानी 2a से हम यहाँ ऊपर नीचे गुना अगर करें तो हमारा काम बन सकता है फर्स्ट के जैसा। तो 1 बाई 2a इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ लिखेंगे 2a dx बटे a प्लस एक्स और इंटू ए माइनस एक्स। अब इस 2a के जगह पर हम ये लिखेंगे फ्रेंड्स a प्लस एक्स ए माइनस एक्स, तो यहाँ से ये हो जाएगा बराबर 1 बाई 2a इंटीग्रेशन ऑफ, इस 2a के बदले ये लिखेंगे a प्लस एक्स और प्लस a माइनस एक्स, और बटे हमारा है a प्लस एक्स और इंटू ए माइनस एक्स और यहाँ dx। अलग अलग इसमें अगर भागा लगाएंगे फ्रेंड्स तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस एक्स बटे
ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स और प्लस ये हो जाएगा ए माइनस एक्स बटे ए प्लस एक्स और इंटू ए माइनस एक्स और डी एक्स। यहाँ से ये और ये कट जाएंगे, ये और ये कट जाएंगे, बचेगा हमारे पास वन बाई टू ए इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई ए माइनस एक्स और माइनस यहाँ बचेगा वन बाई ए प्लस एक्स और ये डी एक्स। ये रह गया फ्रेंड्स हमारे पास। अब पूर्व की भांति हम इसका समाकलन करें, अगर उसी प्रकार से अलग करके यहाँ प्लस माइनस सॉरी यहाँ प्लस है तो प्लस में इंटीग्रेशन बटता है तो ये हो जाएगा बराबर वन बाई टू ए इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई ए माइनस एक्स डी एक्स और प्लस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई ए प्लस एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू ए और ये वन बाई एक्स टाइप का है तो इसका होगा लॉग ए माइनस एक्स और ये प्लस हो जाएगा लॉग ए प्लस एक्स और प्लस समाकलन कांस्टेंट। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स वहाँ तो x प्लस ए और x माइनस ए था, यहाँ x माइनस ए है तो यहाँ अगर इसका डिफ्रेंसिएशन नीचे करेंगे तो a का तो जीरो हो जाएगा और x माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस का वन। यहाँ a का जीरो होगा और यहाँ होगा x का वन तो इसमें तो कोई प्रभाव नहीं डालेगा लेकिन यहाँ फ्रेंड्स ये प्रभाव पड़ जाएगा इसमें, ये हो जाएगा वन बाई टू ए और ये हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा प्लस में तो प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं ए प्लस एक्स और ये माइनस हो जाएगा यहाँ से लॉग ए माइनस एक्स और प्लस सी। यहाँ भी लॉग की प्रॉपर्टी अगर लगाएंगे तो वन बाई टू ए और ये हमारा है लॉग एम माइनस लॉग एन, ये हो जाएगा लॉग एम बाई एन यानी लॉग ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स और प्लस समाकलन कांस्टेंट। देखें फ्रेंड्स तीसरा है समाकलन डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर फ्रेंड्स हम ये फॉर्मूला ध्यान में रखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक तो यहाँ से ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी यहाँ x के जगह पर हम a टेन थीटा अगर रखें तो हमारा काम बन सकता है। फ्रेंड्स देखें इसको हम लोग हल करते हैं तो इसमें पुट करेंगे x इज इक्वल टू a टेन थीटा, अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो x का डिफ्रेंसिएशन वन होगा, a बाहर हो जाएगा, tan थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, sec स्क्वायर थीटा और थीटा का फिर चेन रूल से करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा d थीटा बाई डी एक्स तो यहाँ से ये हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। कुछ नहीं किया है फ्रेंड्स चूँकि यहाँ प्लस था तो यहाँ अगर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा टाइप का बन जाए इसके लिए हमने x के जगह पर a टेन थीटा रखा है चूँकि जब ये स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा अंदर में यही बचेगा फ्रेंड्स इसीलिए हमने यहाँ x के जगह पर a टेन थीटा रखा है। तो यहाँ से देखें फ्रेंड्स अब ये जो है हमारा dx हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा और बटे x के जगह पर है a tan थीटा स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और प्लस a स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। यहाँ से a स्क्वायर अगर बाहर कर लें तो यहाँ से बचेगा tan स्क्वायर थीटा और प्लस वन, यहाँ से एक a कट जाएंगे इसका ऊपर में बच रहा है फ्रेंड्स sec स्क्वायर थीटा और d थीटा और यहाँ बचा a और tan स्क्वायर थीटा प्लस वन ये होता है sec स्क्वायर थीटा तो यहाँ sec स्क्वायर थीटा लिख दिया इसके जगह पर। यहाँ देखें फ्रेंड्स तो ये sec स्क्वायर थीटा कटेगा बाकी जो बचा फ्रेंड्स हमारे पास इज इक्वल टू वन बाई कोफिशियंट है इसको बाहर कर लेंगे
अंदर में समाकलन में बच गया सिर्फ डी थीटा और 1/a और डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा थीटा। बताया है डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है तो डी थीटा का होगा थीटा। अब चूंकि हमको रिजल्ट एक्स में है तो हम थीटा निकालेंगे यहाँ से फ्रेंड्स, जहाँ से हमने सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन किया था। तो चूंकि एक्स इज इक्वल टू है ए टेन थीटा, तो यहाँ से टेन थीटा बराबर हो जाएगा एक्स बाई ए, इसलिए थीटा इज इक्वल टू होगा एक्स बाई सॉरी टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो थीटा के जगह पर यहाँ रख देंगे फ्रेंड्स, तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन जो हमको निकालना था इसका, वो आया है 1/a थीटा, और थीटा के जगह पर हम रखेंगे ये टेन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस समाकलन कांस्टेंट जरूर लगाएंगे फ्रेंड्स, चूंकि अनिश्चित समाकलन है ये और अनिश्चित समाकलन में सी लगाना होता है। तो ये आ गया रिजल्ट हमारा फ्रेंड्स 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। आगे से ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि जो प्रश्न हमको दिया होगा वो जब इस रूप में आ जाएगा तो सीधे इसके जगह पर इस फॉर्मूले का हम उपयोग करेंगे 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। फोर्थ नंबर में है फ्रेंड्स डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ है फ्रेंड्स, पुनः उसी फॉर्मूले को अगर देखें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन। इसको अगर इधर लाएं तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस में उधर जाके हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। इसको इधर कर लिया फ्रेंड्स तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और ये चला गया उधर तो हो गया प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। आगे से फिर इसको इधर करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमारा वन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अब देखें इसमें फ्रेंड्स, यहाँ से हम सेक स्क्वायर थीटा टाइप का इसको बनाने के लिए हम इसमें प्रतिस्थापन करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा। इसका अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, a बाहर हो जाएगा, और sec थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में sec थीटा इंटू टेन थीटा, और फिर चेन रूल से d थीटा बाई डी एक्स। तो यहाँ से ये हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू ए sec थीटा इंटू टेन थीटा, और ये हो जाएगा d थीटा। कुछ नहीं किया है फ्रेंड्स, इसको देखें ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन होता है, इसको अगर उधर कर लें तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस का हो जाएगा, और ये इधर आके हो जाएगा माइनस में, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ से हम इसको बनाने के लिए एक्स के जगह पर ए सेक थीटा रख के इसका डिफ्रेंसिएशन किया है तो डी एक्स हमारा ये बन गया। तो इसलिए ये समाकलन जो हमारा है डी एक्स के जगह पर इसको रखेंगे ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा और डी थीटा डिवाइडेड बाई है यहाँ अंडर रूट में एक्स के जगह पर हम रखा है ए सेक थीटा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का ए स्क्वायर। यहाँ से ए सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा, और यहाँ से अंडर रूट में ए स्क्वायर अगर कॉमन कर लें तो बचेगा ब्रैकेट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब यहाँ देखें फ्रेंड्स, ऊपर में है ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा और डी थीटा, ये हमारा रूट से बाहर आएगा ए स्क्वायर तो ए हो जाएगा, और रूट में बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन जो है टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से इसको और सॉल्व करें फ्रेंड्स, तो ए से ए कटेंगे तो बचेगा हमारे पास समाकलन ऊपर में है सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा,
और यहाँ से ये नीचे बच गया है, रूट में है टेन स्क्वायर थीटा, तो बाहर हो जाएगा टेन थीटा कटेंगे, बचेगा हमारे पास सेक थीटा डी थीटा। अब सेक थीटा का इंटीग्रेशन निकालना बता रखा है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा लॉग सेक थीटा और प्लस टेन थीटा और प्लस सी। सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा। कुछ नहीं किया फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले को देखें, यहाँ भी हमने थोड़ा सा त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन किया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक होता है, तो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा को बदल लिया सेक थीटा के टर्म में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। इसीलिए इस टाइप का हम इसके अंदर बनाने के लिए हम x के जगह पर रख लिया a sec थीटा, डिफ्रेंशिएट किया dx के जगह पर ये रखा, उसके बाद इसको हल किया, तो इसका इंटीग्रेशन आया है, समाकलन आया है log sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। अब sec थीटा और tan थीटा को निकालना रह गया फ्रेंड्स, जिसमें हमको ये हेल्प करेगा फ्रेंड्स, चूँकि हमने इसमें रख रखा है x इज इक्वल टू a सेक थीटा, तो यहाँ से सेक थीटा हमारा हो जाएगा एक्स बाई ए, सेक थीटा हमारा हो गया एक्स बाई ए। अब सेक थीटा मिल गया है तो टेन थीटा इससे निकालेंगे, चूँकि टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो यहाँ से टेन थीटा हमारा हो जाएगा अंडर रूट का सेक थीटा हमारा ये है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वन। एलसीएम लेंगे इसमें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और रूट से ए स्क्वायर बाहर होगा तो होगा ए। अब इस सेक थीटा और टेन थीटा को यहाँ रख देंगे फ्रेंड्स, तो इसमें इस रिजल्ट में रखेंगे, तो इसलिए जो समाकलन हमारा है डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर आया है लॉग मॉड सेक थीटा के जगह पर रखेंगे एक्स बाई ए, और प्लस टेन थीटा के जगह पर रखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए और प्लस सी। अब इसको थोड़ा सा हल करेंगे फ्रेंड्स, हल करने के लिए अंदर में एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड, यहाँ एलसीएम हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा x प्लस अंडर रूट का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस का c। अब यहाँ देखें फ्रेंड्स, ये log m बाई एन है, तो इसको लिखेंगे log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा log x प्लस अंडर रूट का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस log a और प्लस c। ये log m बाई एन है तो log m माइनस log n हो जाएगा और प्लस c, चूँकि log a कांस्टेंट है तो इस पूरे के बदले हम एक अलग से कांस्टेंट लगा देंगे, तो लिख सकते हैं इसको x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस समाकलन कांस्टेंट। और ये हमारा रहा रिजल्ट फ्रेंड्स, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ c अभी भी हमको नहीं पता है, log a इसके साथ आया तो log a भी कांस्टेंट ही है, इस दोनों के बदले हम एक अलग से कांस्टेंट इसको लिख दिया है फ्रेंड। तो ये रहा हमारा फोर्थ नंबर का फॉर्म जिसका इंटीग्रेशन या समाकलन ये होता है। फिफ्थ टाइप का है समाकलन dx बाई अंडर रूट का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखें फ्रेंड्स, हमको हेल्प करेगा ये फॉर्मूला, यहाँ भी त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन ही करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये है फ्रेंड्स। तो दोनों में से किसी को भी यहाँ रख सकते हैं, हम यहाँ x के जगह पर a साइन थीटा रखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पुट करेंगे x इज इक्वल टू a साइन थीटा, तो यहाँ से ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन करने के बाद x का डिफरेंशिएशन वन होगा, a बाहर हो जाएगा और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, और थीटा का फिर चेन रूल से करेंगे तो d थीटा बाई
डी एक्स। अब यहाँ से ये हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और डी थीटा। अब यहाँ डी एक्स के जगह पर अगर रखेंगे फ्रेंड्स तो ये हमारा हो जाएगा समाकलन, डी एक्स के जगह पर ये डालेंगे ये कॉस थीटा डी थीटा और बटे अंडर रूट में है ए स्क्वायर माइनस एक्स के जगह पर ये रखा है इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से ए कॉस थीटा ऊपर में है और डी थीटा इसके साथ है, नीचे में ए स्क्वायर कॉमन करेंगे ये बाहर हो जाएगा रूट से तो यहाँ बचेगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ से ए और ये ए कट जाएगा, यहाँ बचा कॉस थीटा ऊपर में डी थीटा के साथ और नीचे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा रूट में है तो रूट से बाहर होगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। यानी यहाँ से ये हो गया कॉस थीटा डी थीटा बाई कॉस थीटा, चूँकि ये अंडर रूट के अंदर है रूट में है बाहर होगा कॉस थीटा, ये और ये कटेगा समाकलन में सिर्फ बचेगा डी थीटा और इसका समाकलन होगा थीटा प्लस सी। अब चूँकि थीटा को हमको बदलना पड़ेगा x में तो इसका उपयोग करेंगे, तो चूँकि x बराबर हमने धर रखा है इसमें a साइन थीटा तो यहाँ से साइन थीटा हमारा हो जाएगा x बाई a, इसलिए थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई a। अब थीटा के जगह पर यहाँ रखेंगे तो फाइनल रिजल्ट हमारा होगा i जो लाना है हमको वो हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई a और प्लस c। तो ये हमारा है फिफ्थ नंबर का फ्रेंड्स, देखें डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में होने से ये होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। छठा देखें फ्रेंड्स, छठा हमारे पास है समाकलन डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, इसका ये फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, तो वही काम करेंगे इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन, तो यहाँ से ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी इस रूप में इसको यहाँ बनाने के लिए हम x के जगह पर a टेन थीटा पुट करेंगे, तो यहाँ पुट करें x इज इक्वल टू a टेन थीटा, तो यहाँ से डिफ्रेंसिएशन अगर करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वन एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा एक, इसका हो जाएगा ए टेन थीटा का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर थीटा और थीटा का चेंज रूल से डी थीटा बाई डी एक्स, तो यहाँ से ये हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। इसलिए ये जो हमारा समाकलन है डी एक्स के जगह पर इसको रखेंगे ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटे अंडर रूट में एक्स के जगह पर ए टेन थीटा रखा स्क्वायर रहने से ये हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। यहाँ से देखें फ्रेंड्स, ये है ऊपर में ए सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा बटे यहाँ से रूट से अगर इसमें से ए स्क्वायर कॉमन करें तो रूट से बाहर हो जाएगा यहाँ ए, तो बचेगा अंदर में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसके जगह पर वन बचा पहले लिख लिया और ये रहा टेन स्क्वायर थीटा, ये और ये कट गया, ऊपर में रहा फ्रेंड्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और नीचे अंडर रूट में हो गया वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो हमारा है सेक स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ से ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा और बटे सेक स्क्वायर थीटा रूट से बाहर होगा तो हो जाएगा सेक थीटा, ये सेक थीटा ऊपर से एक सेक थीटा को काटेगा। यहाँ अब जो बचा फ्रेंड्स हमारे पास बराबर में समाकलन सेक थीटा और डी थीटा, बराबर सेक थीटा का समाकलन होता है लॉग सेक थीटा और प्लस टेन थीटा, बस जिस प्रकार से पूर्व में हमने किया था फ्रेंड्स उसी प्रकार से सेक थीटा यहाँ से निकालेंगे और टेन थीटा और वहाँ रखेंगे फ्रेंड्स, तो चूँकि हमने रखा है x इज इक्वल टू ए टेन थीटा तो यहाँ से
टैन थीटा हमारा हो जाएगा एक्स बाई ए। अब इस टैन थीटा को यहाँ रखेंगे तो यहाँ से हमको सेक थीटा मिलेगा, अंडर रूट में ही उधर चला जाएगा, रूट हो जाएगा ये, तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा के जगह पर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा अंडर रूट का एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और बटे ए, ए स्क्वायर रूट के अंदर है बाहर हो जाएगा ए। अब यहाँ दोनों का मान रख देंगे फ्रेंड्स, ये सेक थीटा का मान ये रहा और टेन थीटा का ये रहा। देखें फ्रेंड्स तो इसलिए आई जो हमारा ये जो समाकलन है वो आया है लॉग मॉड सेक थीटा के जगह पर ये रखें अंडर रूट ए स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए और प्लस टेन थीटा हमारा आया है एक्स बाई ए और प्लस समाकलन कांस्टेंट। इसको अगर हल करेंगे फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा लॉग, ये एलसीएम हो जाएगा ए और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसको लिखते हैं और प्लस एक्स और प्लस सी। यहाँ लॉग एम बाई लॉग एन का प्रॉपर्टी लगाएंगे, लॉग एम बाई एन तो लॉग एम माइनस लॉग एन, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस एक्स और माइनस ये हो जाएगा लॉग ए और प्लस सी। अब इस पूरे के बदले कोई एक कांस्टेंट रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि लॉग ए भी हमारा कांस्टेंट ही है, तो यानी फाइनल रिजल्ट हमारा होगा लॉग मॉड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस एक्स और प्लस समाकलन कांस्टेंट। तो ये रहा फ्रेंड्स सिक्स नंबर का लॉग मॉड एक्स प्लस एक्स इधर है और ये हमारा ये रहा और प्लस सी। तो इस प्रकार से हमने जो एक्सरसाइज 7.4 से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट थे फ्रेंड्स उसकी चर्चा हमने करी है फ्रेंड्स। एक्सरसाइज 7.4 में जो समाकलन हमको दिया रहेगा फ्रेंड्स उसको हमको सबसे पहले इनमें से किसी एक रूप में बदलना होगा फ्रेंड्स, यानी जो समाकलन होगा वो किसी न किसी इन्हीं रूपों में से एक होगा फ्रेंड्स, इसलिए उसको हम इस रूप में बदलेंगे और इन्हीं में से किसी एक रूप में बदलने के बाद उसका समाकलन इसके हिसाब से कर लेंगे फ्रेंड्स। तो ये रहा फ्रेंड्स हमारा बेसिक टॉपिक जो था एक्सरसाइज 7.4 से रिलेटेड उसका चर्चा किया है फ्रेंड्स। अगर हमारा लेक्चर पसंद आया हो फ्रेंड्स तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करें। धन्यवाद।